हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। तो चलिए आज हम बनाते हैं सब्जियों से भरा हुआ मंचूरियन के स्वाद वाला बहुत ही टेस्टी ये चीला या पुडला या पराठा, जो भी कहिए, सबके लिए बहुत ही हेल्दी है। बच्चे बड़े सभी पसंद से खाएंगे और बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए रेसिपी को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने मैनुअल चॉपर में पत्ता गोभी को फाइनली चॉप कर लिया है। कैप्सिकम को भी बिल्कुल बारीक बारीक मैनुअल चॉपर में ही हम काट लेंगे। सब्जियां आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, फ्रेंच बीन भी डाल सकते हैं। एक कटोरी मैंने कद्दूकस किया हुआ गाजर डाल दिया है। आधे इंच अदरक का टुकड़े को बारीक काट लिया है और दो हरी मिर्च आप स्वाद के अनुसार डालें। फ्रेशली कुटा हुआ 7 से 8 काली मिर्च मैंने कूट लिया है, उसे डाल दिया है। अब यहाँ पर डालेंगे 1.5 से 2 चम्मच सोया सॉस या फिर जितनी सब्जी है उसके अकॉर्डिंग आप अंदाज से डाल लें। अब हम डालेंगे 2 चम्मच ग्रीन चिली सॉस। मैंने यहाँ ग्रीन चिली का सॉस का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो रेड चिली सॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि कलर भी काफ़ी इसका अच्छा आएगा। अब इसमें डाल देंगे हम नमक। तो नमक स्वाद के अनुसार डालिएगा, जितनी सब्जी है उसके हिसाब से। और ध्यान रखिएगा कि जो सॉस में भी नमक रहता है तो उसी हिसाब से अब अंदाज से नमक डालें। अब इसमें हम डालेंगे बेसन। तो बेसन यहाँ मैंने 2 से 3 चम्मच लिया है। और फिर डालेंगे हम चावल का आटा। इसमें कॉर्नफ्लावर या मैदा का इस्तेमाल हम नहीं करने वाले हैं, चावल का आटा डालेंगे, जिससे कि ये थोड़ा सा हेल्दी ऑप्शन रहेगा। और जो चावल का आटा और बेसन है ना, इसकी क्वांटिटी को आप अपने अकॉर्डिंग रखिएगा, मतलब सब्जियों के अकॉर्डिंग ये रहेगी। जितनी सब्जियां हैं, इसका कोई फिक्स मेजरमेंट नहीं है, जितनी सब्जियां हैं उसी के हिसाब से हम बेसन और चावल का आटा डालेंगे। जब आपको लगे कि इसमें बाइंडिंग अच्छी आ गई है तब तक आपको आटा डालना है। तो यहाँ पर मैंने 2 छोटी सी कड़छी चावल का आटा डाला है और 1 करछी बेसन डाला है। थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च मैंने डाल दी है ताकि इसका कलर अच्छा आए। तो मुझे थोड़ा सा चावल का आटा कम लग रहा था तो थोड़ा सा मैंने और डाल दिया है। सब्जियां, बेसन, चावल का आटा, ये सारी चीज़ें आप अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो यहाँ देखिए, मैंने हाथ से इस तरह से दबा कर देख लिया है तो इसमें बाइंडिंग अच्छी आ गई है। अब मैं डाल लूँगी थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी। वैसे भी हल्दी, काली मिर्च का पाउडर, ये सारे जो इंडियन मसाले हैं वो हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छे हैं, तो इसे ज़रूर डालिएगा। इसे भी हम अच्छे से मिला देते हैं इसी में। तो मैंने इसमें पानी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया है। जो सब्जियों में पानी रहता है उसी से हमने इसे मिलाया है। पर आप देख लीजिएगा, अगर आपको ये ज़्यादा ड्राई लगे तो थोड़ा सा पानी भी आप डाल सकते हैं। नॉनस्टिक तवे को मैंने ऑयल से ग्रीस करके गीले कपड़े से पोंछ लिया। आप चाहे तो लोहे के तवे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा छोटा सा पोर्शन लेके हम इसे हाथ से फैलाएंगे, गीला कर लेंगे हाथ, जिससे कि आसानी से फैल सके। अगर आपको डायरेक्टली तवे पे फैलाने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस पे बटर पेपर पे भी इसे फैला सकते हैं और फिर इसे तवे पे डाल दें। थोड़ा सा ऑयल चारों तरफ मैंने डाल दिया है। आप चाहे तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सेक लेंगे। बहुत ही कम समय में ये बन जाती है, क्योंकि जो हमने सब्जियां डाली हैं उसे बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती है, उनमें थोड़ा सा क्रंच रहता है तो ही ये अच्छा लगता है। तो इस तरह से 3 से 4 मिनट में ये जो चीला है बनके तैयार हो जाएगा। तो ये फटाफट बनती है, बच्चों के टिफ़िन के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। और इसे हरी चटनी, सॉस या सिजवान चटनी, जिससे भी आप चाहें उसके साथ सर्व कर सकते हैं। होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।